सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों आज के लिए आपके लिए एक व्हाट्सअप बिजनेस ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ये ऐप अपनी अभी इंडिया में अवेलेबल हो चुकी है, तो मैं इसके फीचर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी ही रोजिक वीडियो लाता रहूँगा। तो हमें प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो व्हाट्सअप का बिजनेस इधर रहा आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो व्हाट्सअप INC है, जो इसका 100,000 डाउनलोड हो चुके हैं इसमें। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने से जैसे ही आप नॉर्मल व्हाट्सअप यूज़ करते हो, जैसे नंबर मांगते हैं तो ऐसे ही आपको नंबर डालना है इसमें। यहाँ पर अपना नंबर डाल दीजिए और बताना चाहूँगा कि आप अपना लैंडलाइन नंबर भी इसमें डाल सकते हो, पर इसमें आपको कॉल का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। जैसे कॉल का ऑप्शन चुनेंगे तो उसका वेरीफाई कोड आएगा, तो उसमें से इसमें SMS तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको वेरीफाई कॉल करना ही पड़ेगा। तो आपको लैंडलाइन में एक फ़ोन आएगा वेरीफाई करने के लिए कोड, तो इसमें से कोड आपको जो बोले वो आपको डालना पड़ेगा। और आप मोबाइल नंबर इतना बिजनेस मोबाइल नंबर है उसमें डाल सकते हो। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना बिजनेस का जो नाम है वो डाल दीजिए कोई भी। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ PC इंस्पेक्टर। तो मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे अपना फोटो डाल सकते हो इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप नॉर्मली व्हाट्सअप यूज करते हो वैसे ही इसमें सब लेआउट, इसमें जैसा कलर थोड़ा चेंज किया गया है, बाकी सब भी जैसा ही है वैसा ही है। तो आप ऐसे इसमें क्या कर सकते हो तो मैं इसमें बताना चाहूंगा। तो पहले आपको इसमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, तो यहाँ दिख रहा है आपको बिजनेस सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोफाइल का एड्रेस आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल का अपना एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे यस दिस एड्रेस, तो मैंने ये डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस हो चुका है, मैं डन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी कैटेगरी क्या है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पब्लिक सर्विस कर लेता हूँ मैं इसमें। बिजनेस डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे लिख लीजिए अपना कोई डिस्क्रिप्शन, जो अपना कैटेगरी सिलेक्ट किया है, जो अपने जिसकी को बिजनेस करना है उसके लिख लीजिए इसके डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर सर्विस। यहाँ पे अपना कितने बजे से कितने बजे आप चालू रखते हैं ये अपनी अपनी बिजनेस, तो आप इसमें डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शेड्यूल। तो मैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आपको मिल जाए, वो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए,
ऑलवेज ओपन मिल जाएगा, या आपने कोई भी टाइम रख दीजिए कौन से कितने बजे से कितने बजे। तो यहाँ मैं मंडे टू फ्राइडे कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 9 AM to 6 PM ठीक है इसमें, तो सब में ऐसा कर देता हूँ मैं। इसमें हो चुका है मेरा, यहाँ से सेटिंग में चेंज कर देता हूँ अभी। अब देख सकते हो यह हो गया इसमें, अब 24 आवर भी इसमें रख सकते हो अगर आपको 24 आवर का जो रखना हो तो। और यहाँ पे मैं अपना जो मंडे टू फ्राइडे है वही रखूँगा, सैटरडे क्लोज रखूँगा इसमें। तो ये हो चुका है, अभी आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस अपना डाल दीजिए इसमें, तो मैं अपना यहाँ ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी वेबसाइट हो बिजनेस की, तो उसमें वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। तो मेरे हो चुका है। अब अदर कुछ आपको ऐसा अलग से अदर एनी वेबसाइट डालना हो तो इसमें डाल सकते हो इसमें, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मेरा हो चुका है ये प्रोफाइल, यहाँ पे अपना फोटो डाल सकते हो, तो मैं अपने फोटो अभी नहीं डालूंगा। स्टेटिक आप देख सकते हो, तो आप इस अपने जो मैसेज अपने को किसी को ट्रांसफर किए हो तो उसको आपको इसमें बताएगा कि आपने कितने मैसेज सेंड किए, कितने मैसेज डिलीवर्ड हो चुके हैं, कितने मैसेज आपके रीड हो चुके हैं और कितने मैसेज आपको रिसीव हुए हैं। तो आप देख सकते हो जो दूसरा जो एक ऑप्शन है मैसेजिंग टूल्स, तो अवे मैसेजिंग, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाएगा। कोई भी कस्टमर आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेगा, जो सामने से कोई मैसेज आएगा तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई करते हैं। मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो यहाँ पे कोई भी अपना बाय डिफ़ॉल्ट SMS डाल सकते हो मैसेज। तो इस तरह से आप अपना SMS लग सकते हो। ऑलवेज सेंड में सिलेक्ट करेंगे, कस्टम शेड्यूल में भी रख सकते हो कि अपने टाइम में भी आपने इसे सेंड करना हो तो कर सकते हो। वो कोई रात को 12 बजे आपको मैसेज करेगा तो 12 बजे रिप्लाई नहीं होना चाहिए, पर उसके टाइम जो अपना ओपन जो बिजनेस है उसमें ही आपको रखना है, तो कस्टम शेड्यूल में आप रख सकते हो, तो इसमें टाइम लिख लेना चाहिए। तो मैं इसे और दूसरा ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ जो है ग्रीटिंग मैसेज। अब आप सोचेंगे कि आपको ग्रीटिंग मैसेज भेजना हो तो अपने कस्टमर को या अपनी कोई 14 डेज की एक्टिविटी आपको बतानी हो, तो इसमें आपको बता देता है तो कि आपको एक एक्टिविटी लिखना पड़ेगा उसमें या टाइप करना पड़ेगा, तो इसमें ग्रीटिंग आप टाइप कर सकते हो। तो एक ऐसे ये फीचर है। और दूसरा जो है क्विक रिप्लाई, क्विक रिप्लाई ऐसा होता है कि आप ऐसे स्लैश थैंक्स लिखेंगे तो उसका क्विक रिप्लाई चला जाएगा। जैसे कि मैं एक टाइप कर देता हूँ इसमें, जैसे कि मैं इस इंसान को भेजूंगा यहाँ से स्लैश करके, तो आप यहाँ पे थैंक्स लिख दीजिए, ऐसा लिखूंगा तो आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा मैसेज इसमें आ जाएगा, थैंक्स यू योर बिजनेस। तो मैं यहाँ पे सेंड करूंगा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आ गया मैसेज। या शॉर्ट में कोई भी मैसेज आपको इंस्टेंटली भेजना हो तो आप भेज सकते हो, जैसे कि मैं कोई भी मैसेज यहाँ पे एक करके रख दूंगा, तो इसमें देख सकते हो क्विक रिप्लाई में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसमें। तो ये थैंक्स है, आप दूसरा कोई भी डाल सकते हो इसके बदले में, या ऑर्डर आपका डाल सकते हो, जो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूँगा, यहाँ पे अपना लिख दूँगा ऑर्डर डिलीवर्ड, ऑर्डर रेडी, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, बाद में लिख देता हूँ। अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ऑर्डर, ये आ गया मैसेज, अब सेंड कर सकते हो सीधा। तो ये हो चुका है, तो अब यहाँ पे स्टेटस जो नॉर्मली जो देखते हैं तो वही, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो इसमें, वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल भी दोनों भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।